देखिए 22 नवंबर को कन्नौद कस्बे में सुबह 7 बजे कन्नौद के ही निवासी 45 वर्षीय निसार अली, जो कि वहीं पर मोटर वाइंडिंग का काम करते थे, उनकी अपनी ही दुकान के सामने गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। यह एक सनसनीखेज वारदात थी जिसमें हमारे एडिशनल एसपी रूरल आकाश भूरिया, एसडीओपी कन्नौद केतन अदलक और टीआई कन्नौद तहजीब काजी के साथ ही हमारी 3 थानों की टीम लगातार संलग्न रही। गंभीर अपराध था, सनसनीखेज वारदात थी। लगातार 4 दिनों तक हमारी 3 पृथक पृथक टीमें काम करती रही। शुरुआत में पुलिस टीम को गुमराह करने का भी बहुत प्रयास किया गया था, लेकिन संपूर्ण टीम ने काफ़ी सूझबूझ के साथ इस जघन्य हत्याकांड की एक एक कड़ी को एक दूसरे से मिलाया और अंततः आरोपियों तक पहुँची। और सबसे पहले जो शूटर थे जिन्होंने गोली मारकर निसार अली की हत्या की थी, विशाल पिता अशोक और दीपक पिता मड़िया, इन दोनों को गिरफ्तार किया। ये दोनों थाना खजराना क्षेत्र इंदौर के रहने वाले हैं। विशाल और दीपक से जब विस्तृत प्राइमरी पूछताछ की गई तो एक जो तथ्य सामने आया, हत्या का उद्देश्य भी पुलिस को क्लियर हुआ और किसके कहने पर उन्होंने ये हत्या की थी वो भी क्लियर हुआ। तो जो मृतक की पत्नी है रुखसाना बी और मृतक की बेटी है सिमरन पिता निसार अली, इन दोनों के कहने पर विशाल और दीपक ने निसार अली की हत्या को अंजाम दिया था। जो घटना का कारण प्राइमरी पूछताछ में पता चला है, मृतक की बेटी सिमरन जो कि अपने शादी के रिश्ते से नाखुश थी, उसके पिता कहीं और उसका रिश्ता कराना चाहते थे जिससे वो संतुष्ट नहीं थी। इसी आधार पर बेटी ने अपनी माँ के साथ मिलकर और अपने मित्र विशाल और विशाल के फ्रेंड दीपक के साथ मिलकर ये पूरी साजिश को अंजाम दिया था। और सिमरन के कहने पर ही विशाल और दीपक के द्वारा 22 नवंबर को सुबह 7:30 बजे निसार अली की गोली मारकर हत्या की गई थी। उक्त पूरे प्रकरण में चूंकि जैसा मैंने बताया पुलिस को इनिशियली गुमराह करने का पूरा प्रयास परिजनों के द्वारा, जो बाद में आरोपी निकले, किया गया था। कई संदिग्धों को पुलिस के द्वारा लगातार पूछताछ की गई, लेकिन काफ़ी सूझबूझ के साथ हत्या संबंधी प्रकरण में कोई भी निर्दोष व्यक्ति पुलिस से प्रताड़ित ना हो, इस बात को इंश्योर किया गया। फाइनली असली आरोपियों का पुलिस के द्वारा पता लगाया गया। ये जो उत्कृष्ट और पेशेवर कार्य किया गया इसके लिए हमने हमारी पूरी टीम को 10,000 के कैश रिवॉर्ड की घोषणा की। क्या वेपन जब्त हो गया सर इस घटना में? जी, हत्या में जो प्रयुक्त हथियार था वो पुलिस के द्वारा जब्त किया गया है। साथ ही चारों जो आरोपी हैं उनको पुलिस ने अपनी कस्टडी में लिया है, अरेस्ट किया है, माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया है और उन्हें पुलिस रिमांड पर लिया गया है। अग्रिम पूछताछ जारी रहेगी और क्या एंगल इस घटना के पीछे हैं इसके बारे में भी एक एक पहलू पर विस्तार से पुलिस पूछताछ करेगी। क्या सुपारी वाला एंगल भी कुछ निकल के आया? नहीं, अभी की पूछताछ में ऐसा कोई सुपारी वाला एंगल नहीं है। जो विशाल जो मुख्य आरोपी है जिसने घटना को अंजाम दिया है और जो मुख्य साजिशकर्ता है सिमरन जो कि मृतक की बेटी हैं, इन दोनों का घटना से काफ़ी समय पहले से आपस में बातचीत अभी तक प्रमाणित पाई गई है। ये एक दूसरे को जानते थे। इसी आधार पर सिमरन ने विशाल को अपने पिता की हत्या करने के लिए उकसाया था। इसके अलावा जो भी तथ्य होंगे अभी अग्रिम पूछताछ में सामने आएंगे। सर, हत्यारे घर के निकले, वो घर के ही जो है मुख्य हत्यारे निकले, तो पुलिस उन तक पहुंची कैसे, बुद्धि सुलझी कैसे? देखिए, जाहिर सी बात है, जब कोई हत्या संबंधी प्रकरण होता है तो मानवीय पहलुओं का ध्यान रखते हुए परिजनों से पूछताछ पुलिस एक सीमा तक करती है। इसी वजह से इस केस में 4 दिन का समय भी लगा। शुरुआत में स्वयं परिजन जो आरोपी निकले उन्होंने कुछ लोगों को पर संदेह जताया था जिसे पुलिस ने वेरीफाई किया, लेकिन जैसे जैसे पुलिस इन्वेस्टिगेशन में आगे बढ़ी परिजनों की जो भूमिका थी वो संदिग्ध सामने आती गई। फाइनली पुलिस ने परिजनों को भी अभिरक्षा में लिया। धन्यवाद।